बिजली विभाग के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की वजह से पूरा जनपद अंधेरे में डूब गया है, जिसके बाद से ही आमजन बिजली और पानी के लिए परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इसी जिम्मेदारी के तहत जिलाधिकारी ने ठपुई बिजली व्यवस्था को संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, राजस्व कर्मी, आरटीआई टीचर के दम पर अगले 2-3 घंटे में बिजली बहाल करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में 69 फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है, जिसमें से 25 फीडर आपूर्ति आउटसोर्सिंग कर्मचारी और 44 फीडर की बहाली नियमित कर्मचारी के द्वारा की जा रही है। शहर की बात करें तो 4 फीडर पर बिजली आपूर्ति हो रही है, जिसमें से 2 आंशिक रूप से बिजली की आपूर्ति हो रही है। संवाददाता देवव्रत की रिपोर्ट। किस विभाग से हैं? आईटीआई से। चूंकि आप शिक्षा पठन पाठन का कार्य देखते हैं और आज बिजली विभाग का कार्य संभाल रहे हैं, कैसे संभाल पा रहे हैं सर? नहीं, अभी तो देखा जा रहा है। क्या देख रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, कुछ समझ में आया? ये अभी तो नहीं समझ में आया। तो आखिर बिजली अगर मान लीजिए कहीं फॉल्ट होती है तो कैसे आप लोग काट पाएंगे, क्या इस तरह की कोई जानकारी है? अभी फिलहाल। क्या नाम है सर? अतुल से। किस विभाग से? राजस्व विभाग। अतुल जी, आज बिजली विभाग यानी पावर हाउस पीर नगर में कैसे? यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, आईटीआई के कुछ लोग हैं, आईटीआई के प्रमुख साहब हैं, इन लोगों को लेकर आए हम लोग। तो क्या समझ में आ रहा है सर, आप लोग कैसे बिजली व्यवस्था दे पा रहे हैं? ये टेक्निकल स्टाफ है, इनको लेकर आया गया है देखने के लिए कि क्या टेक्निकल कमियाँ हैं जिसकी वजह से नहीं चल पा रहा है। अभी अगर फिलहाल तत्काल बात की जाए तो इस फीडर से कितने क्षेत्र में बिजली सप्लाई होती है और क्या स्थितियां हैं यहाँ से? जो है पत्थरघाट, देखिए हमारे जनपद में कुल 69 फीडर हैं जहाँ से बिजली की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में की जाती है। उनमें हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसी काम कर रही थी 25 फीडर्स पर, जो ऑपरेटर्स के रूप में भी काम करते हैं और फील्ड में भी काम करते थे। बाकी 44 फीडर्स पर ऑपरेटर्स के रूप में हमारे नियमित कर्मचारी अधिकारी थे, बाकी फील्ड में काम करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी थी। बट जो इनकी स्ट्राइक हुई है उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी के भी तमाम ऐसे प्राइवेट लोग हैं जो आज की डेट में अपने पॉइंट्स पे नहीं हैं, जिसकी वजह से कुछ एक फीडर्स को चलाने में हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। शहर में हमारे 4 फीडर हैं जो यहाँ से बिजली की सप्लाई लगातार हो रही है, जिसमें से 2 फीडर तो आंशिक रूप से चल पा रहे हैं, बट 2 फीडर इस समय हमारे नहीं चल पा रहे हैं। हमने टीम भेज दी है, अभी 2-3 घंटे लगेंगे, कहीं फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हम ट्रेस करा रहे हैं और हम शहर की बिजली तत्काल बहाल करा देंगे। ऐसे ही सैदपुर में भी है और मोहम्मदाबाद में भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, उसको भी हम सॉर्ट आउट करा रहे हैं, अभी सॉर्ट आउट हम कराने की स्थिति में आ जाएंगे। जहाँ तक वाटर सप्लाई की बात है, वाटर सप्लाई के लिए हमने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को निर्देशित किया है कि पानी के टैंकर्स लगातार मोबाइल रहें, किसी भी मोहल्ले में पानी की सप्लाई की कोई दिक्कत ना आने पाए। साथ ही जो पानी की टंकियाँ बनी हुई हैं वहाँ हर जगह स्टैंड बाई में जनरेटर रखवाया गया है, जो जनरेटर नहीं चल पा रहे थे उनको चलवा दिया गया है और 2-3 घंटे लगेंगे सारी पानी की टंकियों में पानी ऊपर तक चढ़ाने में। लगभग 3 बजे के बाद से हमारे यहाँ पानी की सप्लाई भी निर्बाध अब बहाल हो जाएगी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम बिजली की व्यवस्था जहाँ जहाँ भी दिक्कतें आ रही। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।